हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पनीर की एकदम चटपटी और टेस्टी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस सब्जी को आप बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट का खाना खाना भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी ये सब्जी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर की सब्जी। ये सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में लिया एक सर्विंग स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छी तरीके से कर लिया है गर्म। इसमें मैंने डाला एक छोटी चम्मच जीरा, एक हरी इलायची, दो तीन लौंग डाली हैं। यही साबुत गर्म मसाले इसके अंदर डालने हैं। जब ये थोड़े से चटक जाएंगे तो इसमें एक बड़े साइज़ के प्याज का पेस्ट मैंने ऐड किया है। बड़े साइज़ का है तो एक ले लें, नहीं तो आप दो मीडियम साइज़ के प्याज की पेस्ट बना करके ऐड कर लें। और इस प्याज के पेस्ट को अच्छी तरीके से भून लेना है। पेस्ट को तकरीबन 4-5 मिनट अच्छी तरीके से भूनेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दी है। और इस अदरक लहसुन की पेस्ट को भी 1-1.5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसकी मैंने पेस्ट बना ली है। पेस्ट बना के ऐड करना है। अब इस टमाटर के पेस्ट को अच्छी तरीके से भूनना है। अभी मैं इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं डाल रही हूँ। पहले इस टमाटर के पेस्ट को अच्छी तरीके से भून लेना है। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच, और नमक लिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और साथ में मैंने कसूरी मेथी 1 चम्मच ली है, रोस्ट करके हाथों से क्रश करके फिर कसूरी मेथी डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो सारे मसाले मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ। यहाँ पे टमाटर की पेस्ट जो है अच्छी तरीके से भून गई थी, इसके बाद ही मसाले आपको ऐड करने हैं। अब इन मसालों को भी अच्छी तरीके से भून लेना है। तो जो मसाले हैं इनको आपको 1.5-2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेना है, तभी सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जितना अच्छा मसाले आपके भुनेंगे उतना ही अच्छा आपका सब्जी में टेस्ट आएगा। तो बस यहाँ पे देखिए मिक्स कर दिए मैंने मसाले, और अब इसको 1-1.5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दिया था मैंने। और अब यहाँ पे मसाले जो है अच्छे से पक चुके हैं, दोबारा से ऑयल सेपरेट होने लगा था। तो यहाँ पे मसाले मैंने बहुत अच्छे से भून लिए हैं। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। तो उससे पहले मैं यहाँ पे पनीर को भी फ्राई कर ले रही हूँ। पनीर फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म किया, इसके अंदर मैंने पनीर के क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। तो मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, 200 ग्राम पनीर के क्यूब्स काट करके ऐड कर लिए हैं। और अब इसको दोनों साइड से अच्छा सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। एक साइड से ब्राउन हो जाए तो पलट के दूसरी साइड से ब्राउन कर लेंगे। देखिए पनीर अच्छे से ब्राउन हो गया है, और यहाँ पे जो मसाला था वो और अच्छे से पक चुका है। 1 मिनट और मैंने इसे भून लिया था। और अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी के साथ मैंने 1/2 कप दूध लिया है, 1/2 कप पानी लिया है। दोनों को मिक्स करके यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप दूध की जगह पे क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध और पानी मिक्स करके डाला है, और फ्लेम को लो कर लें जब आप दूध इसके अंदर ऐड करें, और अच्छी तरीके से मिक्स करते रहें इसको। 1 कप के बराबर पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी। यहाँ पे अच्छी तरीके से दूध मिक्स कर दिया। अब मैंने 1/4 कप पानी और ऐड कर दिया इसके अंदर, और अब इसमें हम बॉयल आने देंगे। इसको ढक करके रख देंगे 2 मिनट के लिए। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर हम पनीर की क्यूब्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको ओपन करके देखेंगे, और यहाँ पे सब्जी में जो है बॉयल आ चुका है। इसके अंदर डाल देंगे हम पनीर के क्यूब्स जो फ्राई करके रखे थे। ऑयल को सेपरेट कर लेना है, ऑयल को आपको ऐड नहीं करना है, और पनीर के क्यूब्स को डाल देना है। पनीर के क्यूब्स डाल के 2 मिनट के लिए ढक के इसको पका लेंगे। और यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म सब्जी रेडी है। पनीर 2 मिनट के लिए ढक कर मैंने इसे पकाया था, उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। और यहाँ पर हमारा जो है पनीर चटपटा, एकदम चटपटा सा पनीर बन के रेडी है। पनीर की सब्जी को रोटी, नान, पराठा, बटर नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। पूरी के साथ सर्व करें, चावल के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। झटपट से बन जाती है और एकदम रेस्टोरेंट के खाने को भी फेल करती है इस तरीके से जब आप बनाएंगे। तो आप इस सब्जी की रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।